उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आप लोग को बता देती हूँ. ये है दूध, इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला है जिससे ये येल्लो हो गया. ओके ये है ड्राई फ्रूट्स. ओके ये है पाइनएप्पल, ये है पोमोग्रेनेट, ये है यम्मी से आम, मैंगोस एंड एप्पल्स. तो ये हनी हम लोग इसमें नो शुगर डाल के, क्योंकि ये मेरे पापा को बता रहे हैं, पापा को पसंद है, ऐसा नहीं कि उनको डायबिटीज है. तो बिल्कुल नहीं है. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको. ओके तो शुगर नहीं डाल रही हूँ इसलिए मैं हनी डाल रही हूँ. तो पहले मैं डालूंगी पोमोग्रेनेट, अगर आपको और फ्रूट ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हो. अब मैंने पूरे डाल दिए, मुझे आधे डालने थे. ओके आम को हम लोग आधे डालेंगे क्योंकि बाद में हमें पूरे डालना है. ओके नाउ वी विल ऐड एप्पल. ओके नाउ पाइनएप्पल. ओके अब हम लोग इसमें डालेंगे मिल्क, ओनली 2 स्पून. वो देखिए कितना क्रीमी है. अब मैंने ये डाल दिया है. अब हम लोग इसे मिक्स कर लेते हैं. ओके और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग हनी डालेंगे. ओके ओके अब हम लोग फिर से इसमें थोड़ा 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 ऐड करते जाएंगे और फिर जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं मिल्क भी आज मीन्स इतना बचेगा मिल्क. फिर अभी मैं ये भी डाल देती हूँ पूरा, हनी ऐड कर लेते हैं अभी. मैंने बोला था लास्ट में बट अभी ऐड कर देंगे क्योंकि मुझे अभी याद आया क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूँ. हम लोग ऐड करेंगे हनी ओनली 2 स्कूप्स. ओके सो 1 एंड तो हनी मैंने इसको डाल दिया है और अभी कैप ऐसे ही डाल देते हैं. ओके अभी हम लोग फिर से मिक्स कर लेते हैं. अभी मैं फिर से फ्रूट डाल देती हूँ. ओके फिर से पाइनएप्पल से शुरुआत करते हैं, फिर एप्पल्स पे आते हैं. एप्पल्स मैंने पूरे डाल दिया, अब मैं मैंगो डाल देती हूँ पूरे. मैंने सारी फ्रूट्स डाल दिया है. अब मैं इसमें फिर से कस्टर्ड मिल्क मैंस मिल्क डाल देती हूँ जो मेरी मम्मा ने उबाला था खास करके मेरे लिए. तो इसकी जो है ना थोड़ी मलाई भी होनी चाहिए. ओके इसकी मलाई भी होनी चाहिए, मलाई आ ही जाती है अगर आप पैकेट वाले दूध से करते हो. ओके और अभी हम लोग इस ब्यूटीफुल से ग्लास में डालेंगे. ये ग्लास मुझे अपने पूरे घर पर बहुत अच्छा लगता है, मेरे पापा मेरे लिए ला रहे हैं ऐसे ग्लासेस. थोड़ा पास ले लेते हैं और अभी हम लोग थोड़े ये डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स इसी स्पून से. ओके ड्राई फ्रूट्स थोड़े ज्यादा हो गए. ओके तो अभी हमारा ये ग्लास जो है बिल्कुल हो चुका है फुल. अभी मैं ऊपर से भी थोड़ा सा डाल देती हूँ क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा चीजें डालने की आदत है. ये बहुत ही अच्छा लग रहा है. अभी ये जाएगा फ्रिज में 1 घंटे के लिए. ओके तो तब तक मैं आपको मिलती हूँ 1 घंटे. हमारा कस्टर्ड जो है बिल्कुल रेडी है, ये फ्रीज होके आ चुका है. अभी मैं इसमें और मिल्क डाल देती हूँ, फिर से गर्म करके डाला, ठंडा नहीं हो जाएगा तब तक. ये मिल्क डाल दिया है और अभी मैं टॉप में कैश्यू डाल दूंगी क्योंकि आई लव कैश्यूज और कैश्यू ने इस पे ऊपर लाश कर दिया. देखो चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह. ओके अब मैं इससे ये सूप का स्पून है बाय द वे, फिर भी मैं इससे टेस्ट कर रही हूँ. ओके कैश्यू ये यू गो यम्मी है.
ये बहुत यम है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। इसमें कैशू है, ग्रेप्स, एक तो जगह ग्रेप्स की भी फीलिंग आ रही है। कुछ भी? I don't know कैसे। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत यम्मी है। अगर ये मैंने अपने पापा के लिए बनाया है क्योंकि हमेशा हमारे घर पे ये फ्रूट्स रहते ही है और पापा को सुबह उठ के कोई भी सैलेड खाना रहता है, इसलिए मैं ये वाला सैलेड बना देती हूँ। ओके, तो ये सैलेड बहुत अच्छा है, बहुत ही यम्मी है। और लास्ट लाइन नहीं है ये, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड खाओ पियो खुश रहो, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।